वेलकम टू स्टडी फॉर यूट्यूब चैनल। आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और अपने अपने पढ़ाई में मस्त होंगे। तो कुछ दिनों से सेट प्रैक्टिस थी, जिसका रीजन था कि व्यस्तता के कारण नहीं क्लास ले पा रहे थे। तो फिर से आज से पर डे आएगा। तो ये हमारा जो झारखंड का 7500 प्लस प्रैक्टिस सेट है क्वेश्चन का, प्लस एस सी डी पी ओ जो एग्जाम हो ही गया अभी मेंस का है, जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन हमारे टेस्ट सीरीज से आए थे। तो पहले नंबर प्रश्न की ओर देखते हैं। प्रश्न में दिया गया है कि एबीसीडी एक चक्रीय समलंब चतुर्भुज है। इसमें से बताया गया है एडी और बीसी समांतर भुजाएं ए बी और सी और डी। तो एडी और बीसी समांतर है, एबीसी 82 डिग्री है, ये 82 डिग्री है, ये पैरेलल है। इसको एक प्रॉपर्टी आपने पढ़ा कि दो पैरेलल लाइन को एक तिर्यक रेखा काटती है तो इंटरनल एंगल का सम 80 डिग्री के बराबर होता है। ये 82 डिग्री है, ये कितना हो जाएगा 98 डिग्री। उसके अलावा एक और प्रॉपर्टी इसमें यूज होगा, कोई चक्रीय चतुर्भुज है तो उसके सामने का एंगल 180 डिग्री के बराबर होता है। ये 98 है, ये कितना हो जाएगा 82 डिग्री। ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि एक घन का विकर्ण रूट 24 सेंटीमीटर है तो उसका आयतन है, उसका जो विकर्ण होता है डायगोनल वो रूट 3 ए होता है, और ये 24 हो जाएगा। ए इज इक्वल टू रूट ए, मतलब 2√2। इसका आयतन दिया गया है, आयतन पूछा गया है क्यू, ये क्या 2 2 3 8 और ये 2√2 √2। ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। तो आप लोगों को ये बताना है कि जो है वो सही है या और धीरे किया जाए, स्लो किया जाए या फास्ट किया जाए। हम चाहते हैं कि एक सेट प्रैक्टिस को ज्यादा से ज्यादा 20 से 25 मिनट में कंप्लीट करा दिया जाए, ताकि आपको ज्यादा समय ना लगे। तो आप लोग कमेंट में बताइएगा कि ये जो स्पीड है वो सही है या ज्यादा है, या और स्लो किया जाए या और फास्ट किया जाए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखते हैं। कोण का अनुपात 3:4:5 है, तो जानते हैं कि जो एंगल सम होता है 180 डिग्री होता है, तो 5 4 9 और 3 12 यूनिट का वैल्यू हो जाता है 180 डिग्री। तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा 15 डिग्री। अब प्रश्न में दिया गया सबसे बड़ा और सबसे सबसे बड़ा है, सबसे छोटा 3 है, सबसे बड़ा 5 है। तो एक का वैल्यू 15 है, तो 3 का 45 हो जाएगा और 5 का 75 हो जाएगा। तो 45 और 75 ऑप्शन नंबर ये सही। पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, कलर वाइट, ये कलर ले लेते हैं, ये ठीक आई हो। नेक्स्ट प्रश्न है, महेश ने 1,00,000 रुपये 12% सॉरी यहाँ होगा सम और कुछ 10% साधारण ब्याज पर, 3 वर्ष के बाद उसे साधारण ब्याज के रूप में कुल 31,500 रुपये मिले, तो उसने 12% की दर से कितने रुपये उधार दिए। इसको दो तरीके से बनाएंगे, सपोज एक्स मेथड से बनाते हैं तो लेट कर लेते हैं, इस पे एक्स रुपया दिया और इस पे वाई रुपया दिया। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, पी आर टी बटा 100। तो एक्स रुपया रेट 12 टाइम 3 साल डिवाइडेड बाय 100 प्लस वाई इंटू 10 × 30/100 इक्वल टू टोटल इंटरेस्ट कितना है 500। ये पहला इक्वेशन आ गया। और एक और इक्वेशन आएगा, एक्स और वाई दोनों अमाउंट कितना है 1,00,000। तो एक्स प्लस वाई ये 1,00,000 हो गया। इसको सॉल्व कर लीजिएगा आप। तो हम आप स्टडी फॉर गोल स्टूडेंट हैं, तो आपको इस तरीके से सॉल्व नहीं करना है, इसको नया तरीके से जो शॉर्ट ट्रिक मेथड है उसको सॉल्व करते हैं। उसके लिए एक स्लाइड इंसर्ट करते हैं। दिया गया है 31,500 रुपया है, तो इसका निकाल लेते हैं
कि कितना परसेंट है। 33,500 का 1,00,000 पे कि परसेंटेज जो अमाउंट दिया गया है ये सिंपल इंटरेस्ट, वो कितना परसेंट इंटरेस्ट है। तो इंटरेस्ट ये 3 साल का था, तो इससे यहाँ से 4 जीरो कट जाएगा, 4 जीरो, और ये 3,105 एक पॉइंट लगेगा, तो 10.5%। कैसे मेथड से करेंगे तो एक 12% था और एक 10%, और ओवरऑल कितना प्रतिशत आया है, 10%। एलिगेशन लगा देंगे, डिफरेंसेस लिखते हैं, तो ये 10.5 का डिफरेंस कितना आ जाएगा, 1.5, और यहाँ पे डिफरेंस कितना आ जाएगा, 0.5, चूंकि ये सभी इंटरेस्ट है तो प्रिंसिपल आएगा, तो ये कितना आ जाएगा, 1:3। अब टोटल प्रिंसिपल कितना है, 3 और 1 4, और 4 का वैल्यू कितना है, 1,00,000, तो 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 25,000। और हमें पूछा था क्या प्रश्न में, 12% पे, 12% पे उसने कितना उधार, 12% पे कितना उधार दिया, 1, और इस 1 का वैल्यू कितना आ गया, 25,000। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये सही जवाब। नेक्स्ट प्रश्न है, दूध और पानी के मिश्रण में 4 गैलन में 12% पानी है, सपोज 4 था, इसमें 12% पानी है, और एक और मिश्रण के 6 गैलन है, इसमें 7% पानी है, और 1 गैलन पानी जोड़ा जाता है, तो सपोज 12% पानी है, तो 4 चौक कितना हो जाएगा, 48, 0.48, ये 7 6 कितना हो जाएगा, 42, 0.42, और 1 गैलन और जोड़ दिया गया, तो 1 गैलन यहाँ आ जाएगा और 1 गैलन इधर, तो टोटल आ जाएगा 1.48, 2 50, 4 90, 1.9। अब प्रतिशत डालना है, तो पानी कितना है, 1.9, टोटल कितना है, 6,010 और 1,011, प्रतिशत निकालना है, 100 से भाग गुना करेंगे, ये कितना हो जाएगा, 190/1, इधर भाग देंगे तो 11 1 से जाएगा, 8 80 हो जाएगा, 11 77, 3 बचेगा 2 30 हो जाएगा, 11 2 22, 8 17.27%, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, फिर से 1,000 kg नमक बेचती है, 17% लाभ होता है, 7% होता है, ओवरऑल 10% लाभ होता है, एलिगेशन लगाएंगे सिंपल सा, 17%, 7% और 10%। थोड़ा सा हैंडराइटिंग उतनी अच्छी नहीं है, 17 से 10 में लगाएंगे डिफरेंस, 7 आ जाएगा, यहाँ प्रतिशत नहीं लिखना है, 7 से 10 में लगाएंगे तो 3 आ जाएगा डिफरेंसेस। अब टोटल कितना हो गया, 7 और 3 10, ये 10 का वैल्यू कितना है, 1,000, तो 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 100, तो 3 का वैल्यू 300 kg, 7 का वैल्यू 700 kg। प्रश्न में क्या पूछा गया, 17% लाभ पे कितना केजी बेचेंगे, 300 kg, ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ए और बी 4 पैर वाले जानवर हैं, जिसमें सॉरी ए और बी जानवर हैं, ये ए 4 पैर वाला है और बी 2 पैर वाला है, सिर माथा को गिनता है तो 180 आता है, पैर को गिनता है तो 480 आता है, फिर यहाँ पे एक्स वाई से बना सकते हैं, सपोज 4 पैर वाला जानवर एक्स है, संख्या एक्स है, और 2 पैर वाला का वाई है, तो एक्स और वाई माथा तो एक ही होता है, तो एक्स का प्लस वाई कितना हो जाएगा, माथा 180। अब एक जानवर का 4 पैर वाला जानवर का एक एक का 4 है, तो एक्स का कितना हो जाएगा, 4x प्लस, एक जानवर का पैर 2 है तो वाई का कितना हो जाएगा, 2y, और टोटल पैर कितना है, 480। आप इसे सॉल्व कर लेंगे, हम इसको सॉल्व करने वाले नहीं है, हम दूसरे तरीके से सॉल्व करेंगे, शॉर्ट ट्रिक से, स्मार्ट अप्रोच के साथ, क्योंकि आप ऑप्शन फॉर गोल यूट्यूब चैनल के स्टूडेंट हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, सपोज कर लेते हैं ये 180 माथा है, ये 180 सपोज करे 4 पैर, पूरे 180 जानवर का 4 पैर है, तो टोटल पैर कितना हो जाएगा, 720। अब टोटल पैर है कितना, 480, कितना पैर एक्स्ट्रा है, एक्स्ट्रा पैर कितना है, 480 में 720 में 480 जाएगा तो 40, 240, ये 240 कहां से आया है, चूंकि 2 पैर वाले जानवर ही हम 4 पैर काउंट कर लिए,
दो पैर वाले जानवर का कितना एक्स्ट्रा लिए हैं, चार दो पैर, तो एक जानवर का दो पैर ज्यादा है तो 240 जाने के लिए कितना जानवर लाना पड़ेगा, 120 जानवर, मतलब 120 जानवर कितना वाला है, दो पैर वाला। टोटल जानवर कितना था, 120 ये है, चार पैर वाला कितना आ जाएगा 60, और ये वाई कितना हो जाएगा 120। तो ये ऑप्शन नंबर ए सी सही हो जाएगा। सॉरी ये क्या हो गया रे भाई, नेक्स्ट प्रश्न है, एक 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 हाथ में तीन पतीले हैं जिसमें मिल्क और वाटर है, तीन पतीला है जिसमें मिल्क और वाटर है, पहले में 2:3 के अनुपात में, दूसरे में 3:7 के अनुपात में, तीसरे में 1:4, और ये जो इसका वॉल्यूम पतीला का वो 1:1:1 है, मतलब तीनों का बराबर है। तो यहाँ देखें तो तीन और दो कितना यूनिट है, पांच यूनिट, यहाँ यूनिट, और यहाँ कितना है, पांच यूनिट। अब ये है तो बराबर तो है नहीं, अब इसको बराबर करना है तो एलसीएम को लेंगे, इसको दो से मल्टीप्लाई, इसको दो से मल्टीप्लाई, तो यहाँ भी पूरा दो से करेंगे, यहाँ भी पूरा दो से करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 4:6, ये 3:7 ही रहेगा, और ये मिल्क है, ये वाटर है। अब सिंपल जोड़ देंगे, 4 × 3 = 7 = 9 और 7 × 6 = 13 और 8 = 21, तो मिल्क और वाटर कितना आ जाएगा 9:21, मतलब 3:7। प्रश्न में क्या पूछा गया है, पानी और दूध, तो पानी और दूध, वाटर और दूध कितना आ जाएगा 7:3, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एन भुजा वाले नियमित बहुभुज के लिए सभी आंतरिक कोणों का योग उसके बाह्य कोणों के योग से तीन गुना अधिक है, तीन गुना है। आंतरिक कोण का योग कितना हो जाएगा एन इक्वल टू बाह्य कोण का जो कितना होता है 360, और तीन गुना है 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 180 × 360, 3 × 6 = 8, एन का वैल्यू कितना हो जाएगा 8, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, मूल बिंदु 0 0 से 7 25 का दूरी, तो आप लोग को बताया गया है कि जो डिस्टेंस फॉर्मूला होता है a2 - a1 का होल स्क्वायर + b2 - b1 का होल स्क्वायर, तो यहाँ से 7 का स्क्वायर हो जाएगा सिंपल, और ये 24 का स्क्वायर हो जाएगा, 7 × 24 = 25 क्या होता है, ट्रिपलेट होता है, 25 यूनिट सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, अगर तीन संख्याओं को वर्गों का योग 150 है, सपोज तीन संख्या है x² x y z, तो वर्गों का योग x² y² z², इसका वैल्यू कितना है 150, इन तीन संख्याओं का योग 30 है, अब x + y + z का वैल्यू कितना है 30, तो एक बार में इन तीनों संख्या को दो बार लेने का योग, मतलब xy + yz + zx का वैल्यू पूछा गया है, तो यहाँ पे हम लोग जान रहे हैं कि इसको xyz का स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, इसको दोनों सब स्क्वायर करेंगे तो ये फॉर्मूला क्या आ जाएगा x² y² z² 2 xy yz zx। अब इसका वैल्यू दिया गया है, कितना दिया है 150, इसका वैल्यू पूछ रहा है, तो 150 उधर माइनस हो जाएगा तो 750/2, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा 375, ऑप्शन नंबर सी सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 500 संख्याओं का औसत x है, यदि इनमें से 730 और 430 निकाल दिया जाए तो बचे हुए संख्या का औसत 375 हो जाता है, 500x का मान ज्ञात करें, तो सपोज 500 संख्याओं का औसत x है, टोटल संख्या कितना हो जाएगा
500x माइनस निकाले हैं 530 और 470, दोनों को जोड़ दो, 5 चार 9 और 7 3 10 1000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ संख्या, 500 संख्या में से दो संख्या निकाल दिए तो कितना बचा है एलसीएम, सॉरी औसत 375। अब इस 500x का वैल्यू निकालना है, तो 500x को कैसे लिखेंगे, 375 गुने 500 माइनस 375 गुने 2, ये प्लस 1000 उधर चला जाएगा 1000। अब इसको मल्टीप्लाई करो तो 5 5 25 2, 5 7 35 और 2 37 के साथ 3, 5 3 15 और 3 1875 पे कितना जीरो लगेगा, 2 जीरो, और 375 को 2 से करेंगे तो 3 2 600, 75 2 150, 750 में 1000 में 750 चला जाएगा तो कितना बचेगा 250, तो 250 सिंपल जोड़ दो यहाँ 0577718 1877 50, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है माधिका, तो सबसे पहले माधिका को मीडियन बोला जाता है, मीन मीडियन मोड माधिका बहुलक, हाँ मीडियन। मीडियन निकालने का क्या तरीका है, सबसे पहले इसको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर लें, इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं तो 30 40 60 90 110 180 और 220। अब नंबर ऑफ टर्म काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 2 2 4 2 6 2 8, कौन सा नंबर छूट गया, 30 हो गया, 40 हो गया, 60 हो गया, 90 हो गया, 110 हो गया, सॉरी 100 छूट गया यहाँ पे, 100 110 180 220। अब नंबर ऑफ टर्म काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8, तो n बराबर क्या हो गया 8। तो जो माध्यिका होता है वो जब n इवन नंबर आ जाए तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, n by 2 plus 1th term divided by 2, n by 2 मतलब 8 बटा 2 चौथा टर्म, 1 2 3 और 1 4, और n by 2 4 और 1 पांचवा टर्म, कितना है 100। प्लस 100 बटे 2, 190 बटा 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 95, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक ऑक्टागन है, ऑक्टागन में एज और वर्टिसेस का डिफरेंसेस पूछा है, तो जो एज होता है वो ऑक्टागन का 24 होता है और वर्टिसेस 16, ये आपको याद रखना है। तो पूछा क्या है, ई माइनस बी, तो 24 में 16 जाएगा तो कितना बचेगा 8, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एक दुकानदार ने हैंडसेट पर 10% की छूट की घोषणा की और चिन्हित मूल्य 20,000 रुपया है और जीएसटी 12% है, तो सपोज इस प्रश्न को ऐसे सॉल्व कर सकते हैं कि 10% का छूट दिया गया है और 12% लाभ कमा रहा है, तो टोटल छूट कितना हो जाएगा 120 बटे 100, ये हो जाएगा 2 - 1.2 = 0.8 रुपया, 0.8% एक्स्ट्रा लेगा, तो 20,000 का 0.8% कितना हो जाएगा 8 बटे 1,000, तो 360 रुपया एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, तो 20,160 रुपया, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, श्री शर्मा और परिवार के कुल मात्रा में घरेलू उपभोग सामग्री पर कुल खर्च वर्ष 2006 में इतना रुपया है, अगर वर्ष 2016 के लिए रहने वाले इंडेक्स नंबर की लागत आधार वर्ष में 2006 लें तो 230 है,
तो वर्ष 2016 में समान ही घरेलू उपयोग सामग्री की समान मात्रा पर परिवार के कुल व्यय। इस प्रश्न में कुछ डेटा मिसिंग है, कुछ परसेंटेज दिया नहीं गया है कि पिछले से क्या कंपेयर किया जाए। इसका 230 है तो इसमें कोई डेटा मिसिंग है, इस प्रश्न को छोड़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, पहले सात अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। सबसे पहले अभाज्य संख्या बता दें कौन कौन सा है। पहला 2, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 13, उसके बाद 14, 15, 17। तो कितना है ये, 7 पूछा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो इतना ही आएगा। अब इसका औसत निकालना है तो सम करेंगे, 17, 3, 20, 10, 30, 10, 40, 41, 7, 48, 2, 50, 8, 58 बटे 7, 7 से 8, 56, 2, 20, 20 हो गया, 7, 2, 14, 8.2 कहीं है, हाँ ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कक्षा एक्स के 9 विद्यार्थियों की औसत का अंकगणितीय औसत की गणना करें। तो आपको औसत निकालने का एक ट्रिक बनाए थे कि आपको पूरा जोड़ना नहीं है, सपोज औसत कुछ मान लेना है, इसके बीच का नंबर, उसके बाद उससे डेविएशन ज्ञात, डेविएशन फाइंड आउट करना है। तो सपोज कर लेते हैं 155 इसका औसत था, अब इसमें से डेविएशन कितना है, 155 माने हैं 154 है, कितना कम है, एक कम है, -1। 155 माने हैं 160 है, कितना ज्यादा है, 5 ज्यादा है। 155 माने हैं और 59 है, 4 ज्यादा है, यहाँ 3 ज्यादा है, यहाँ 1 ज्यादा है, यहाँ 0 है, यहाँ -1 है, यहाँ -6 है, यहाँ -2 है, और ये डेविएशन जो है किस में बटेगा, इसी नंबर में, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 1, 9। तो ये 155 हो जाएगा, प्लस या माइनस जो भी आएगा, कितना है, 6, 2, 8 और 1, 9। इस 9 से ये 9 कट जाएगा, 1 से 1 कट जाएगा, ये बच गया 3, प्लस 3/9। तो ये कितना हो जाएगा, 155 प्लस 0.333 हो जाएगा, तो 155.33 ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वो कुछ कैलकुलेशन उसमें किए थे डेटा के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है, ए बी सी डी के भुजाएं x सेंटीमीटर और 5+x सेंटीमीटर है, उनके योगफल का योग 625 है। योगफल उनके क्षेत्रफल का योग, तो क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 5 का होल स्क्वायर। थोड़ा सा काम नहीं कर रहा है पेंटेप, इक्वल टू क्या हो गया, इक्वल टू कितना हो जाएगा, 625। अब यहां पे दिया गया है स्क्वायर करेंगे तो यह आएगा एक्स स्क्वायर प्लस, क्यों नहीं कर रहा है, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, थोड़ा सा हैंग कर रहा है, कर रहा है जिसके कारण अभी कुछ लिखा नहीं पा रहा है। तो इस प्रश्न को नेक्स्ट क्लास में सॉल्व कर लेंगे, या तो आप इसी से सॉल्व कर सकते हैं और यहां से आपका आंसर आ जाएगा। पिछले क्लास में एक प्रश्न था जिसमें हम थोड़ा सा मिस्टेक कर दिए थे, शायद वो परसेंटेज निकालने का, कि 40 ग्राम को ये कुछ डेटा था, सॉरी
इसमें से हम वो 100 से डिवाइड कर दिए थे, वहां पे 1000 से डिवाइड करना था, क्योंकि वो ग्राम में, ग्राम को केजी में कन्वर्ट करना था, जिसे 1000 से करना था, जिसे हम 100 से कर लेते, उसको एक बार देख लीजिएगा आप, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। तो चलिए धन्यवाद आपको, इस थोड़ा सा पेनटेप में इशू आने के कारण क्लास नहीं कंटिन्यू कर पाएंगे, नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, थैंक यू।